इक्विवेलेंस ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी, लाइक अगर हमारे पास दो फंक्शनल डिपेंडेंसी के सेट दिए हुए हैं और अगर उसमें हमें चेक करना है कि क्या वो इक्विवेलेंट हैं या नहीं। अब हमें दिखने में वो इक्विवेलेंट नहीं लगेंगे, लेकिन जब हम उसको चेक करेंगे तो हो सकता है कि वो इक्विवेलेंट हो या ना हो। ये टॉपिक थोड़ा सा ट्रिकी है क्योंकि इसमें स्टूडेंट फील की थोड़ा सा मुश्किल है, बट एक्चुअली में मुश्किल नहीं है और हम इसको और ज़्यादा आसान बना देंगे कि एक हमारे पास एक एक्स फंक्शनल डिपेंडेंसी सेट दिया हुआ है, एक वाई। अब एक्स और वाई दिखने में बराबर नहीं लग रहे, लेकिन क्या हम बराबर इसको प्रूफ कर सकते हैं नहीं, उसके लिए वी हैव टू चेक इक्विवेलेंस ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी। तो कैसे चेक करना है, अगर हमारे पास एक्स एंड वाई दो फंक्शनल डिपेंडेंसी के सेट दिए हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू चेक वेदर इफ एक्स कवर्स वाई और नॉट, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स covers y or not, and if y covers x or not means x, this is the case. First we have to check ki whether x covers y or not, and then we will check ki y covers f x or not. Agar ye dono cheez true ho jati hain, then we can definitely say ki x is equivalent to y. मीन्स एक्स फंक्शनल डिपेंडेंसी सेट जो है वो वाई के इक्विवेलेंट है, बट उसके लिए मेरे को पहले चेक करना पड़ेगा कि एक्स कवर कर रहा है वाई की फंक्शनल डिपेंडेंसी को एंड वाई कवर कर रहा है एक्स की फंक्शनल डिपेंडेंसी को। अगर ये दोनों चीज ट्रू हो जाती हैं तो मीन्स दिस एंड दिस सिंबल विल कैंसल आउट, सो यू कैन से यस दे आर इक्विवेलेंट। तो उसको चेक करने के लिए हाउ टू डू इट, लेट्स से फर्स्ट से इफ एक्स कवर्स वाई और नॉट, मीन्स एक्स कवर कर रहा है वाई को या नहीं। तो इसको प्रूव करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू टेक द वाई, वाई में व्हाट इज द फर्स्ट डिपेंडेंसी, ए गोज टू बी, बी गोज टू सी, ए गोज टू सी। अब ए का क्लोजर लेंगे यहां पे वाई की फर्स्ट डिपेंडेंसी का, ए क्लोजर, ध्यान से देख लीजिएगा, x covers y में x cover कर रहा है y की functional dependencies को, means हमें पहले y का closer लेंगे, y की first dependency that is a goes to b, a का closer लेंगे, लेकिन यहां से नहीं x में से, means पहला left hand side y का, लेकिन उसका closer लेंगे x में से देख के। कैसे, देखो a का closer लिया तो what is the closer of a in this, A goes to B and B goes to C, means you can say A is covering A itself, A is covering B and through B A is covering C. तो means यहां पे मैं पहले dependency मेरे पास क्या आ रही है, A goes to B, A goes to B. तो check करो कि क्या A B को cover कर रहा है या नहीं, yes A B को cover कर रहा है, means A जो है वो B को determine कर रहा है, तो yes this is fine. Now B, नेक्स्ट डिपेंडेंसी इज व्हाट, बी, मींस बी का क्लोजर लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड कौन सी है, बी, यहां पे बी का क्लोजर लेंगे लेकिन यहां से। तो अब बी का क्लोजर अगर यहां से लेंगे तो बी पहले बी को डिटरमाइन कर रहा है एंड बी सी को भी डिटरमाइन कर रहा है। नाउ चेक फॉर दिस कि यहां पे डिपेंडेंसी कौन सी है, बी गोज टू सी, तो देखो यहां पे बी गोज टू सी आ रही है, यस बी सी को डिटरमाइन कर रहा है थ्रू x हम चेक कर रहे हैं, क्योंकि b का क्लोजर हमने y से नहीं लिया, b का क्लोजर कहां से लिया, x में से, तो yes b is determining c, so this is also valid. Now the third one, a, a का क्लोजर लेंगे लेकिन x में से, तो वो हम ऑलरेडी ले चुके हैं, a का क्लोजर हमने x में से चेक किया था तो a b c आया था, तो means a c को कवर करना चाहिए, तो yes a c को कवर कर रहा है बट x में से, सो a इज कवरिंग c, तो यानी ये वाली डिपेंडेंसी भी मेरी कवर हो रही है, तो यानी दिस वन इज वैलिड कि इफ x कवर y और नॉट, यस x इज कवरिंग y. नाउ वी विल चेक वेदर y कवर्स f और नॉट, y कवर्स x और नॉट, y covers x or not. For that you have to take the dependency, means y
कवर कर रहा है x की डिपेंडेंसीज को, तो यानी अब हम x की लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, x की लेफ्ट हैंड साइड में फर्स्ट डिपेंडेंसी क्या है a, तो a का क्लोजर लेंगे, लेकिन a का क्लोजर y में से, x का लेफ्ट हैंड साइड उठाया लेकिन उसका क्लोजर कहां से लेंगे y में से, तो वहां से अगर हम क्लोजर देखें तो a से a आ रहा है, a से हमारे पास b आ रहा है एंड b से c आ रहा है, so means through transitive property a से b and b से c, तो a b c, now check x में a goes to b है, तो यहाँ पे देखो a goes to b आ रहा है, yes a is determining b, तो this is valid, now b goes to c, अब b का closure लेंगे एक एक करके, यानी अगर x में जितनी भी dependencies हैं उनका हर एक का left hand side लेंगे और उसका closure लेंगे लेकिन y में से देख के, अब इसमें दूसरी डिपेंडेंसी है मेरी b goes to c, तो b का क्लोजर लेंगे लेकिन y में से, अब b के क्लोजर में b तो आएगा ही, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है, b से मेरे पास c आ रहा है, b से c आ रहा है, तो अब चेक करो कि यहां पे डिपेंडेंसी क्या है, b goes to c, तो क्या b goes to c यहां पे आ रहा है, yes b goes to c यहां पे भी आ रहा है, तो means we can say this is also true, तो यानी y is also covered x, y is also covering the x, तो दोनों चीजें true हो गई यहाँ पे, x is also covering the y and y is also covering x, so means x is also covering y and y is also covering x, so you can say both the symbols are cancel out, so we can say x is equivalent to y, this is proof of this, let's see one more example, एक और एग्जांपल देखते हैं, उसमें हम चेक करते हैं कि क्या वो इक्विवेलेंट है या नहीं, लेट्स से देयर इज एक्स और उसमें हमारे पास डिपेंडेंसी है ए बी गोज टू सी डी, बी गोज टू सी एंड सी गोज टू डी, एंड वन मोर डिपेंडेंसी सेट इज वाई, वाई में हमारे पास है ए बी गोज टू सी एंड ए बी गोज टू डी एंड सी गोज टू डी, दीज टू डिपेंडेंसीज सेट्स आर गिवन टू मी, अब कई बार क्या होता है कि देखने में हमें नहीं पता लगेगा कि क्या वो इक्विवेलेंट है या नहीं, तो इसीलिए आपको सिर्फ यही मेथड फॉलो करना है कि पहले x कवर कर रहा है y को एंड देन वी विल चेक कि y कवर कर रहा है x को, तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट, दैट इज x कवर्स y, मींस जिसको हम लिख सकते हैं x कवर्स y और नॉट, तो उसके लिए लेट्स से कि x कवर कर रहा है y को, मींस x का क्लोजर लेंगे लेकिन y का क्लोजर लेंगे लेकिन x में से देख के, कैसे y की फर्स्ट डिपेंडेंसी है ab goes to c, तो मींस ab का क्लोजर लेंगे, y की फर्स्ट डिपेंडेंसी को उठाएंगे और उसका लेफ्ट हैंड साइड हमने लिख दिया, उसका क्लोजर लेंगे लेकिन x में से देख के, अब x में से अगर हम ab का क्लोजर देखें तो ab से ab तो आएगा ही आएगा, रिफ्लेक्सिव है, ए बी से सी डी बी आ रहा है, ए बी से सी डी बी आ रहा है, और वाई में हमारे पास क्या है ए बी गोज टू सी, तो लेट्स चेक कि ए बी गोज टू सी आ रहा है, यस ए बी इज डिटरमाइनिंग सी, तो यानी दिस इज वैलिड, चेक फॉर द सेकंड वन ए बी, दिस इज ऑल्सो ए बी, तो ए बी का क्लोजर हम ऑलरेडी ले चुके हैं, तो आप यहीं से डायरेक्ट चेक कर सकते हो कि ए बी डी को डिटरमाइन कर रहा है या नहीं, तो हमने ए बी का क्लोजर ऑलरेडी ले चुके हैं एक्स को देख के, एक्स में से ले चुके हैं ऑलरेडी, तो ए बी से यस डी बी आ रहा है, ए बी से डी बी आ रहा है, तो यानी दिस इज ऑल्सो वैलिड, दिस इज ऑल्सो ट्रू, लेट्स चेक फॉर द थर्ड वन सी, सी सी का क्लोजर लेंगे, थर्ड वन इज सी, मीन्स हमें एक एक करके सारी डिपेंडेंसीज के लेफ्ट हैंड साइड को लिखना है और उनका क्लोजर लेंगे लेकिन x में से, तो c का क्लोजर लेंगे x में से, तो c से c तो डिटरमाइन होगा, अब c से यहां पे d भी आ रहा है, c से d भी आ रहा है, अब चेक करते हैं यहां पे क्या बता रहा है c डिटरमाइंस d, तो चेक करो c डिटरमाइंस d आ रहा है, यस c d को डिटरमाइन कर रहा है, तो दिस इज ऑल्सो वैलिड, सो वी कैन से वेदर एक्स कवर वाई और नॉट, यस इट इज ट्रू
x is covering y. Now we will check the reverse part, that is y covering x or not. Y covering x or not. Y covers x or not. जिसको हम ये भी लिख सकते हैं y covers x. तो उसको प्रूफ करने के लिए अब हम x की लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे. x की लेफ्ट हैंड साइड में मेरा AB है, तो AB का क्लोजर लेंगे. लेकिन AB का क्लोजर किसको देख के? y को, क्योंकि y को चेक कर रहे हैं हम कि क्या y कवर कर रहा है x की डिपेंडेंसी को. तो हम x का लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और उसका क्लोजर लेंगे y में से. तो y के अकॉर्डिंग AB से हमारे पास AB तो आ ही रहा है, AB से CB आ रहा है और C से हमारे पास DB आ रहा है. तो चेक करो यहां पे x की डिपेंडेंसी बोल रही है कि AB से CD. तो चेक करते हैं कि क्या AB CD को डिटरमाइन कर रहा है. यस, AB CD को डिटरमाइन कर रहा है. तो दिस इज वैलिड, दिस इज ट्रू. नाउ चेक फॉर द सेकंड वन. B का क्लोजर लेफ्ट हैंड साइड उठाया, उसका क्लोजर लिया, लेकिन क्लोजर किस में से लेंगे? y में से. तो y के अकॉर्डिंग b के क्लोजर में b तो आएगा ही, बिकॉज इट इज अ रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी. सो b से b आ रहा है एंड b से नथिंग, b से और कुछ भी नहीं आ रहा, बिकॉज a b c को डिटरमाइन कर रहा है. a b मिलके c को डिटरमाइन कर रहा है और a b मिलके कंबाइंडली दे आर डिटरमाइनिंग द d. लेकिन अकेला b क्या कर रहा है यहां पे? अकेला b कुछ भी प्रूफ नहीं हो रहा, अकेला भी कुछ भी डिटरमाइन नहीं कर रहा. तो यानी लेकिन x में हम क्या बोल रहे हैं कि b डिटरमाइन c, लेकिन यहां पे b इज नॉट डिटरमाइनिंग c. तो दिस इज नॉट कवर्ड, दिस इज नॉट कवर्ड. लेट्स चेक द थर्ड वन, दैट इज c गोज टू d. यू कैन डायरेक्टली से यस, बिकॉज c गोज टू d यहां पे भी है, तो वो तो दोनों में कॉमन है. अगर आप क्लोजर से चेक करना चाहते हैं तो क्लोजर से भी देख सकते हैं. c का क्लोजर लेंगे लेकिन y में से. तो c से c आ रहा है और c से d आ रहा है, तो c d को कवर कर रहा है. यस, तो आप लिख सकते हो. बट देयर इज वन डिपेंडेंसी विच इज नॉट कवर्ड बाय y. तो मींस x की एक डिपेंडेंसी ऐसी है जिसको y कवर नहीं कर पा रहा, और वो है b goes to c. तो यानी x, whether y covers x or not, this is invalid. So यहां पे इस क्वेश्चन में आप कह सकते हो कि x and y are not equivalent. और इसमें अगर आपसे ऑप्शन में पूछा जाए तो यू कैन से कि यस, x कवर कर रहा है y को, दिस इज ट्रू. बट क्या y कवर कर रहा है x को? दिस इज फॉल्स. और यू कैन से दिस इज फॉल्स एंड दिस इज ट्रू. सो दिस इज हाउ वी कैन चेक द इक्विवेलेंस ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी सेट. राइट, सो प्लीज लाइक माई वीडियो एंड प्लीज शेयर इट. थैंक यू.